दोस्तों आज की वीडियो में हम इस तरीके के एक माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये कॉलर में होता है, एक तरीके का छोटी लेंथ की डोरी होती है इसमें। यदि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी रहती है उसके काम नहीं आता, लेकिन यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस पर कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए ये ठीक रहता है। इसी के प्रोडक्ट के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसकी जो आप परचेस करना चाहें तो किसी भी साइट से कर सकते हैं, ये 100-200 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगेन फ्रेंड्स, आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम एक माइक की। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये जो है इसका बेल है, यार ये कैंसर बेल है। तो इसमें कहीं प्राइस नहीं दी हुई है इन्होंने। तो अब देखते हैं माइक कैसा है, कैसी इसकी लेंथ है डोरी की। 100 रुपीज की प्राइस जो है। अच्छा, बिल अंदर है फ्रेंड्स। ये है माइक, इसमें चाहिए या नहीं। तो छोटा सा लग रहा है, तो ये आप देख सकते हो। ये जो है सिंपल सा कुशन है, जो बोया का माइक्रोफोन आता है उसमें जो है अलग रहती हैं ये चीजें, आप यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कैमरा जो सही से फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली निकल जा रहा है, तो इसको आपको सिंगल की यूज करना पड़ेगा। और ये क्लिप है, हमने जहां तक फ्रेंड्स अगर बोया M1 की वीडियो डाली हो तो आप देख सकते हो उसमें जो है डोरी की लेंथ काफी लंबी होती है, तो वो काफी अच्छा होता है। अब जो है इसकी जो लेंथ है डोरी की, वहां पता नहीं कितनी बड़ी है, लेकिन छोटी लेंथ है, तो आप इसे दूर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो इतनी है। YouTube पर वीडियो बनाने के लिए आप इसका यूज में भी पॉसिबल कि ना सही से ना कर पाए। तो लेंथ के मामले में डोरी बहुत छोटी है। चलिए हम आपको इसे यूज करके दिखा देते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, फिर हम आपको। ये जो माइक है इसकी जो लेंथ है ये 4 फुट 8 इंच, तो आप इसे 5 फुट मानकर चलिए, तो आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है काफी छोटी है। मतलब यदि आप एक बड़े यूट्यूबर हैं या यदि आपको इस माइक को लेंथ के लिए इस्तेमाल करना है या टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इस माइक का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ काफी छोटी है। और यदि आपको ऐसे ही छोटी सी वीडियो बनानी रहती है, जैसे अभी मैं इस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तब तो आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो आराम से चली जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, कॉलर में ऐसे लगाना है। इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, मैंने जैसे ट्राई किया है तो वो जो है काफ़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रॉपर है। अब चलिए हम आपको इस क्वालिटी में डिफरेंस दिखाते हैं। अभी देखिए, ये जो है इसे को मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल में, तो अभी आप देख सकते हो ये जो है ये माइक से आवाज जो है रिकॉर्ड हो रही है वीडियो में। तो अभी ये माइक से रिकॉर्ड हो रही है वॉइस, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कैसी वॉइस है। अब इसका डिफरेंस बताते हैं आपको। पहले आप देखिए, माइक को मैं निकाल कर जो है वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, तो अब देखिए ये जो है बिना माइक के मोबाइल की वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। और अभी अगेन जो है माइक से वॉइस रिकॉर्ड होने लगी है, तो काफी अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन यदि रेटिंग की बात करें तो 5 में से 3 स्टार दे सकते हैं हम इसको। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो इसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन फिर भी गाइस, ये 100 रुपये में मिलेगा आपको, 300 इसकी प्राइस थी, लेकिन 200 का एवरी मंथ का कोड लग गया, तो अब इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये है। तो यदि आपको छोटी वीडियो बनानी है तब तो ये ठीक है आपके लिए, लेकिन यदि आपको थोड़ी डिस्टेंस वाली वीडियो बनानी है तो तब तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वॉइस अच्छी नहीं आने वाली है, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा। पहले हमने बोया M1 की जो है वीडियो डाली होगी शायद, तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसकी जो क्वालिटी है कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो आप इसे चाहें तो परचेज कर सकते हो, चाहे तो परचेज आप ना करें, क्योंकि 100 रुपये इसकी जो है प्राइस है, और लगभग 4 फुट 8 इंच की इसकी जो है लेंथ है। तो अब डिसीजन आपको लेना चाहिए गाइस। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप इसे ना परचेज करें,
क्योंकि इसकी जो वाकई जो है ये जो लेंथ है वो काफी शॉर्ट है जो आपको बाद में तकलीफ दे सकता है। लेकिन यदि आपको वाकई में छोटी वीडियो बनानी है तब आप इसे परचेज कर सकते हो 100 रुपये में। तो आपका वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।